पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इमरान खान जैसा दुनिया को दिखा रहे हैं उससे बहुत बुरी हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के लोग महंगाई से इतना परेशान है कि अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के ट्विटर को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि पाकिस्तान की जनता इमरान सरकार से कितनी नाराज है। अक्टूबर महीने की शुरुआत ही पाकिस्तान के लोगों के लिए काफी भारी पड़ी है। महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान सरकार ने बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के लिए दूध पीना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में दूध की कीमत 140 रुपए लीटर से भी ज्यादा है, तो वहीं धारा 370 हटने के बाद जब से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद हुआ है तब से पाकिस्तान में टमाटर का दाम आसमान छू रहा है। महंगाई का आलम यह है कि टमाटर 300 रुपए किलो से लेकर 500 रुपए किलो तक बिक रहा है। महंगाई से परेशान पाकिस्तान को सुजुकी कंपनी ने भी बड़ा झटका दिया है। दरअसल सुजुकी मोटर कंपनी ने पाकिस्तान में अल्टो और बाइक की कीमतों में इजाफा किया है। अल्टो की कीमतों में जहां 70 से 85,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बाइक की कीमतों में 6 से 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।